नमस्कार मु सुभाश्री आपण मानको पुणी थरे वेलकम करूची मोर यूट्यूब चैनल लावण्यवती को। तो फ्रेंड्स लंबा घन एवं सुंदर केश आम क्या पसंद न थाए हेले किछि कारण पई जेंति कि आमर केश ठीक भाबरे जदि पोषण न पाउची किंबा आमे जदि तार ठीक भाबरे केयर न करूची किंबा आमर किछि खराब अभ्यास पई आमर केश झड़ीबा तो स्टार्ट होइथाय ता सहित आमर केश बॉडी मध्ये न थाए तेणु मुझे मोर वीडियो रे आपण मानको सहित शेयर करिवे बहुत सिंपल टिप्स गुड़िक जहाँ द्वारा कि आपण आपणकर हेयर रो ग्रोथ करिवे सहित आपणकर हेयर फॉल को मध्ये स्टॉप करि परिवे तेणु कौन कौन से सब सिंपल टिप्स को जानिबा पई आपण वीडियो टी को लास्ट जाय निश्चित भाव रे देखंतु चैनल रे जदि नुआ आछन्ति तबे एंती सब वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ता सहित पाखरा सिदबा बेल आइकन को मध्ये प्रेस करि नियंतु एवं आउ गोटे कथा फ्रेंड्स आपण मानको रिक्वेस्ट रे मु मोर नुआ ब्लॉग चैनल स्टार्ट करी जो थे कि मोर डेली लाइफ रुटीन शेयर करी सहित बहुत इंटरेस्टिंग एवं फनी वीडियो अपलोड करी थे तेणु आम नुआ ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस चान ब्लॉग्स को मध्य जल्दी जल्दी जाकि सब्सक्राइब करनी तार लिंक मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे एवं पिन कमेंट दे दी आपठी जानेल को विजिट करें तो एबे चलंतु आउ लेट न करी जानिबा कि कौन कौन सिंपल टिप्स गुड़ को आमको फॉलो करिवार अछि हमर हेयर ग्रोथ को बढ़ेबा पई। तो फर्स्ट पॉइंट होछि ट्रिमिंग। तो फ्रेंड्स आमे सब बेले चाहू कि हमर हेयर केमते बढ़ु तो ट्रिमिंग कथा सुनि आपण माने कन्फ्यूज हो जथबे कि ट्रिमिंग जदि करछु तो आमे हमर हेयर को कट करछु तो ता बढ़िबो केमते। तो आपणको हेयर ग्रोथ हेबा पई आपणको 8 रु 10 सप्ताह मध्यरे निश्चित भाबरे हेयर को तळाडू अल्प ट्रिमिंग करिनेबा दरकार कहीं द्वारा कौन होता है ना आम जो स्प्लिट एंड बा दुई मुआ केश कि ड्राई हेयर से सब रिमूव होता है और हेयर ग्रोथ हेबारे बढ़िवारे हेल्प होता है। टिप्स नंबर टू रे होची हॉट ऑयल मसाज। तो आप समस्त जानते कि ऑयल मसाज आम हेयर पर कितने नेसेसरी हेले जदि ऑयल को आप ठीक भाव न लगे कि भूल भाव लगे तेज तहार अल्टा रिजल्ट आपको मिले जमीक तेल लगे आज बहुत दिन रखिद तेज आपंकर हेयर फॉल हवा स्टार्ट हे एवं जदि आप तेल को आमती ही लगे दूसरी तार कौन रेजल्ट मिलना जिते बड़े भी आपंकर हेयर रे ऑयल लगे आपसी ऑयल लगतु ना कहीं डबल बॉइलिंग प्रोसेस रे माने कौन गोटे पात्र नहीं कि तेल को रखी तेल को आ गए पात्र रखी तापर रखिक डबल बॉइलिंग प्रोसेस हालाका उषुम करूँ एवं सही तेल को आनी आपण स्काल्प आउ हेयर रे भल भाव मसाज करद्वारा आपण को रिलैक्स तो लगे सहित आपण स्काल्प रो ब्लड सर्कुलेशन भल होगा सहित आपण हेयर ग्रोथ रे हेल्प कर हेयर हेल्दी रही तो एथिपाई आपण चाहिले 2 स्पून कोकोनट ऑयल 1 स्पून कैस्टर ऑयल एवं 1 विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करके हल्का उषुम करके स्काल्प आउ हेयर रे मसाज करि परिबे। टिप्स नंबर 3 रे होची रात्री रे मुंडो कुंडेकी ही आपण सोंतु जदि आपण रात्री रे केश न कुंडेकी सोउचंती तो एहा द्वारा आपणकर केश जट होइकी अधिक झड़ीवार चांस थाए बारंबार आमर मुंडो कुंडेबा उचित नुह काईना एटा आम हेयर पई भल नु मात्र रात्री रे सोइबा पूर्वरु निश्चित भाबरे आपण आपणकर मुंडो को कुंडे नियंतु एहा द्वारा आपणकर हेयर हेल्दी रहिबा सहित आपणकर ब्लड सर्कुलेशन भल होइते एवं आपणकर हेयर फॉल मध्य न थाए तेणु रात शोबा पूर्व निजर मुंड कुंडे एवं हेयर को बहुत अधिक टाइट बा लूज नक बांधि बेणी करप्स नंबर 4 रे हूँ अदा चुट्टी को कुंडातु ना तो ये भूल टी मैक्सीम जन करते आम मुंड सेम्पू करके आसुचु हेयर अदा अच्छी तो से टाइम आम हेयर रुट बहुत नरम थाए तेणु जदि आपम मुंड को कुंडौते तो यह द्वारा आपंकर केश अधिक झड़ी थाए तेणु आप फास्ट आप चुट्टी को किसी समय सुखापी दिंतु नेचुराल भाव में जितने चुट्टी हालाका सुखी जाऊँगी आपंकर केश को हालाका हालाका कुंडे नियंतु। टिप्स नंबर 5 रे होची कंडीशनर। कंडीशनर मध्य आमर हेयर को जल्दी ग्रो करिवारे हेल्प करता है एटा आमर फ्रिजी हेयर ड्राई हेयर को मध्य क्लीयर करके आमर हेयर को सिल्की शाइनी करिथाय जहाद्वारा कि आमर हेयर लॉस कम होता है तेणु आपण कंडीशनर निश्चित भाव में यूज करूँ। टिप्स नंबर 6 रे होची हेयर मास्क। तो यह आप दही कि अंडार व्यवहार करें आम हेयर को प्रोटीन दबार हेल्प करेणु से आप गोटे अंडार गोटे चामच नड़िया तेल भल भाव में मिसई नियंतु आपण स्काल्प आउ हेयर रूट लेंथ रे लगे नियंतु 20 मिनिट पर्यंत छाड़ दिंतु तापर शैम्पू करनी एमती आप थे निश्चित भाव में करूँ जदि आप एग आपण हेयर में लगे पारे आपको बहुत स्मेल होती जमीक मुझ आदू भी एग लगे पारे कहीं मत बहुत स्मेल हुए
तेबे आपण दही रो हेयर मास्क यूज करि परिबे तो सेथि पय आपण 3 रो 4 स्पून दही नियंतु एवं ता सहित से सेम क्वांटिटी रो 3 रो 4 स्पून एलोवेरा जेल मिक्स करि नियंतु एहा को मध्ये ठीक सेही परि भाबरे आपण को हेयर रो स्काल्प रे हेयर रो रूट रे लेंथ रे आपण अप्लाई करंतु एहा को मध्ये 20 रो 30 मिनिट पर्यंत रखंतु एवं तापर आपण शैम्पू करि नियंतु एटा को मध्ये आपण मास रे थरे अप्लाई करंतु एवं फ्रेंड्स आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा मन रखु कि आप जिते बेले भी जो हेयर मास्क आप यूज करूँ आप हेयर ऑयल फ्री रही दरकार क्लीन आउ ड्राई हेयर रे हिंसा आपर हेयर मास्क अप्लाई करूँ तो हेयर मास्क रो अप्लाई द्वारा आम हेयर सिल्की सॉफ्ट शाइनी होगा सहित यहाँ आम हेयर फॉल को स्टॉप करता है आम हेयर ग्रोथ को मध्ये बढ़े थाए एवं फ्रेंड्स जदि आपको डेंड्रफ रो बहुत प्रॉब्लम रोचे एवं आप बहुत किसी यूज कर सारापर आपको किसी रिजल्ट मिलूना तेज मुझे आप सहित गोटे बहुत भल प्रडक्ट टी सेयार करी जोटा कि अलरेडी मुझे यूज कर सारी तार रेजल्ट आमको मिली मोर तो एक्चुअली डेंड्रफ ना मो हजबैंड डेंड्रफ अच्छी तो यहाँ बहुत भल कम तेणु से प्रडक्ट मुझे सहित सेयार करी से बाउर डेंड्रफ केयर जिंजर अएल गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हूँ कि कौन सी हार्मफुल केमिकल नहीं आपश्चित भाव जानते हैं कि बाउर सब प्रडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रु ही तैयारी होई थाए तो एटा एमती प्लास्टिक बोतल ले आसी थाए 100 ml क्वांटिटी रो एटा एवं आपन को एटा पड़िबो 325 टंका एहार लिंक मु मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देथिबे आपन चाहिले सेइटु नै पारिबे एहार मेन इंग्रेडिएंट्स होजे जिंजर एवं रोजमेरी ऑयल जोटा कि आम हेयर पर बहुत भल छड़ा आम हेयर पर भल आउ कि इनग्रीडियंट्स सामिल तो जदि आपड़ा रेगुलर यूज करुँच तेज यहाँ आप डेंड्रफ को पूरा मूल रू क्लीयर करेंगे हेयर को ग्रोथ कर हेल्प करते हेयर फल को स्टप करेंगे आप देखु कि आप्लाय करने गोटे केप बहुत इजिली आपयर में एप्लाय करेंगे जदि आप बहुत अधिक डेंड्रफ रोचे तो गोटे थर आप प्रडक्ट को निश्चित भाव में ट्राए करूँ और आपंकर रेजल्ट कौन रहा मो सहित सेयार करूँ आमको तो यार पजिट रेजल्ट मिली आपंकर रेजल्ट कौन रहा सेयार करूँ यार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेगी आप चाहिए से चेकआउट करें तो फ्रेंड्स यहाँ ही मोर आज बहुत सिंपल हेयर केयर टिप्स गुड़िक आई होप कि आपड़ोटी बहुत भल लगे जब भल लगे तो गोटे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे भिडियोटी को अधिक रू अधिक मात्रा में सेयार करदे नेक्स्ट आप टॉपिक वीडियो चाहते सही कमेंट करूँ और हाँ आम ब्लॉग्स चैनल मिस्टर एंड मिसेस चान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जल्दी करनी पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो से टेक केयर बाय बाय।